नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा प्ले टाइम ऐप की 3 ऐसी ट्रिक जिससे आपको फ्री में अनलिमिटेड पेपल कैश मिलेगा, वो भी इंस्टेंट। बस आप वीडियो को पूरी देना, आपको सब चीज़ समझा दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिखा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसी प्रॉफिट होगा, इसमें कोई भी लूट भी डालूँ तो सबसे पहले नोटिस पहुँचा। मैं 5 से 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। 5 से 10 सेकंड क्यों वेट कर रहा हूँ? जैसे पता है, जो भी लूट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आती है, बिल्कुल यूनिक, जो कोई दे भी सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो आपका लॉस होने वाला है। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का पड़ेगा लिंक में डिस्क्रिप्शन, और क्या सर्च LOOTLOOTMONE, फिर आप क्लिक कर दो, फिर अपनी ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ज्वाइन हो जाना। या मैं टेलीग्राम चैनल पर तो आपका बहुत रहा अपडेट हो रहा होगा, बहुत रहा अपडेट क्यों हो रहा होगा? जैसे पता है, जो भी लूट आ जाए, लूट की कोई अपडेट आएगा, कोई लूट ओवर हो गई तो अपने टेलीग्राम चैनल अपडेट देता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने प्रूफ दे दिया कि हैक आने वाला है आज भाई, बहुत सारी ट्रिक आने वाली इस वीडियो में, बस बने रहना, ठीक है। और सेलो ऐप का अपडेट और जो भी लूट ओवर जाएगी ये वाली, तो अपने टेलीग्राम चैनल अपडेट दूंगा। जैसे कल कितने सारे जॉइन लूटा था, आप खुद ही प्रूफ देखते हो कितने सारे जॉइन लूटी, तो मैंने बहुत कम प्रूफ दिए जो फेक बोलता हूँ उनके लिए, ठीक है। वैसे कम से कम 400+ मेरे पास प्रूफ आ गए, ठीक है। अब बताऊँ क्या ट्रिक है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये वीडियो लंबी हो सकती है, 14-15-16 मिनट, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको 3 से 4 ट्रिक। एक तो हैक ट्रिक बताऊंगा, एक अनलिमिटेड पेपल कैश बताऊंगा, प्लस इसमें बताऊंगा 2 बग। बस आप वीडियो को मैं ना सब चीज़ बता दूंगा फुल डिटेल के साथ, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता कि किस ऐप की मतलब कि प्ले टाइम ऐप APK कैसे इंस्टॉल होता है, तो आप सबसे पहले मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख लो, तो आपको पता जाएगा कि Part 1 बनाया हुआ है, उधर जाके देख लो कैसे इंस्टॉल होता है, क्योंकि इंस्टॉल में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए Part 1 देख लेना यदि आपने अभी तक प्ले टाइम APK डाउनलोड नहीं किया तो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है सुन लो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा HTTP कैंडिडेट, ठीक है। इसकी लिंक मिलेगी ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और पहली बता रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि भाई कोई स्टेप मिस कर जाओगे तो फिर आप बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया या मेरा कुछ हो नहीं रहा, रिडम लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक वीडियो देखना, भले कितनी लंबी हो, क्योंकि भाई आपके प्रॉफिट के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो HTTP कैंडिडेट कर लेना डाउनलोड, लिंक आपको मिल जाएगी ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। HTTP कैंडिडेट डाउनलोड करने, इसको ओपन करना, ओपन करने में इसमें 2-3 परमिशन आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। वैसे इसको ओपन होने देता हूँ, ओपन होने के बाद लास्ट में चले जाना एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, थोड़ी देर में 5 सेकंड में यहाँ पे थोड़ी वेट कर लेना, जैसे कि वेट कर लेता हूँ मैं, जैसे कि मेरे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया 5 से 7 सेकंड, उसके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो, उसके यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दो, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें, दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब देखना, मैं आप कम से कम बताऊंगा मैं आपको 3 से 4 ट्रिक, बस आप वीडियो में ना, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर पे इंस्टॉल पे क्लिक करें, आपके ये वाला ऑप्शन आएगा, तो इसको कर लेना ओके पे क्लिक, ठीक है। ओके पे क्लिक करें, मूव पे क्लिक कर देना, मूव पे क्लिक करें, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आएगा तो स्किप कर देना, स्किप करने यहाँ पे आएगा आपको मैं वेलकम का ऑप्शन, ठीक है। तो ये आएगा वेलकम टू HTTP कैंडी, तो इसको कर देना थोड़ा सा बैक, ठीक है। अब बैक करने के बाद ट्रिक जान सुनना, ठीक है। अब आ जाना 3 लाइन पे, इसी HTTP कैंडी की 3 लाइन पे क्लिक करना, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप आ जाना सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद लिख लेना इंस्टॉल पैरेलल स्पेस और इंस्टॉल पैरेलल स्पेस 64 बिट। अब ध्यान सुनो, सपोज करो आप में कोई पैरेलल स्पेस पहले से पड़ा हो, ठीक है, कोई भी पढ़ाओ कोई वर्जन का, तो सबसे पहले उसको करो अनइंस्टॉल मारो। यदि आपके पैरेलल स्पेस 32 बिट है, पैरेलल स्पेस है, पैरेलल स्पेस 64, सब जितने भी पैरेलल स्पेस हैं सबको करो अनइंस्टॉल, वाली पैरेलल स्पेस लाइट क्यों ना हो, ठीक है, सबको पैरेलल स्पेस कर दो अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा जो HTTP कैंडी में, उसका ये वाला खुद का इस वाले वर्जन करो इंस्टॉल, ठीक है। ऐसे में पहले से मैंने कर रखा है, यहाँ पे पैरेलल स्पेस डाउन कर रखा है, ठीक है। इस वाले वर्जन करना ओनली इसी वाले वर्जन का, ठीक है, ओनली जो ये वर्जन दिख रहा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, पहले यदि आप इंस्टॉल पैरेलल स्पेस पे क्लिक करोगे थोड़े से टाइम लेगा, 1 मिनट डाउनलोड होने, फिर इंस्टॉल हो जाएगा आपका, फिर उसका आप सेकंड वाला भी कर लेना, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या ट्रिक आती है। अब क्या करो, जो आपने पहले इस पर इंस्टॉल कर रहा है HTTP कैंडी से, उसको करो ओपन, 64 बिट नहीं करना, बस 64 तो बिट तो ऐसे डाउनलोड होता है साथ, ठीक है। उसके बाद पहले स्पेस को करो ओपन, ओपन करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद बताऊँगा करना पड़ेगा, लोडिंग लेने में कंटिन्यू पे क्लिक करना, उसका 2-3 परमिशन आएगा, उसको कर देना अलाउ। अलाउ करने के बाद आप इसमें कर लेना प्ले टाइम ऐप को ऐड, ठीक है। और प्ले टाइम ऐप को ऐड करने से पहले आपको यदि ओपन मत करना, ऐड कर लेना, ठीक है, VPN तक, VPN आपको कनेक्ट, मतलब ओपन जब ही करना है जब आपका VPN कनेक्ट रहे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, मेक श्योर आपका VPN कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं पहले तो प्ले टाइम APK मतलब इसमें ऐड कर लेता हूँ, फिर बाद में VPN लगाता हूँ। अब जैसे कि मैंने प्ले टाइम एप्लीकेशन को ऐड कर लिया पैरेलल स्पेस वाले में, ठीक है। अब क्या करना है, उससे पहले इसको ओपन मत करना, ओपन जब ही करना है जब आपका VPN कनेक्ट रहे। तो VPN कैसे करना है, ऐसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ, ओल्ड वीडियो में, वही VPN कोई सा भी चल जाएगा, भले आप करो टर्बो या सुपर VPN कोई सा भी चल जाएगा, क्योंकि भरे पड़े हैं प्ले स्टोर में VPN, ठीक है, कोई सा डाउनलोड कर लेना। जैसे कि मैं सुपर VPN अच्छा लगता है और टर्बो अच्छा लगता है, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। और आपको सर्वर कौन सा कनेक्ट करना है, सर्वर आप कनेक्ट करना है US का, जैसे मैं US सर्वर कनेक्ट कर देता हूँ, और इसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। सुपर VPN से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट होने वाला बताता हूँ कि करना पड़ेगा आपको आगे।
जैसे कि मेरा वीपीएन हो गया कनेक्ट, कनेक्ट होने के बाद अब आ जाता हूँ मैं पैरेलल स्पेस वाले अकाउंट में। पैरेलल स्पेस वाले अकाउंट में आने के बाद अब ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। पहले तो प्ले टाइम एपी को कर लेता हूँ ऐड, और दोबारा बता रहा हूँ यदि आप अपने कुछ दिमाग से करोगे तो आपके में कुछ ओपन नहीं होगा ना, ये प्ले टाइम एपी के मतलब ओपन नहीं होगा, इसमें आएगा कुछ इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा। इसलिए मैं जैसे बता रहा हूँ जैसे मैंने स्टेप बाई स्टेप बताया वैसे ही करना है, तो फिर आपकी दिक्कत आएगी, फिर बोलोगे भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे मैं ऐड को कट कर देता हूँ फिर ओपन हो देता हूँ प्ले टाइम वाला ऐप। जैसे कि मेरा प्ले टाइम वाला एपी क्यों हो गया इंस्टॉल, उसके ओएसएमआई सपोर्ट डेट पे क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पे दो तीन बार ऑप्शन आएगा ओके का और थोड़ा सा ओके का, तो दो तीन बार ऑप्शन आएगा तो ओके कर देना। ओके करने के बाद जैसे आपको पता है कि भैया 200-250 पॉइंट तो हमारे इजीली हो जाते हैं, ठीक है। एक तो क्या करना पड़ेगा आपको लिखना है गेट 100 कॉइंट, मतलब गेट 100 कॉइंट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो नहीं करना बस आपको क्लिक करना है तो आपको 100 कॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे 100 कॉइंट मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। बैक कर लेता हूँ, 100 कॉइंट मेरे को मिल गए होंगे, थोड़ा टाइम ले लेगा, मतलब दोबारा कट करके दोबारा ऐप में आओगे तो यहाँ पे 100 कॉइंट आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बग अभी बताता हूँ, एक बग क्या है जैसे कि लिख रहा है कनेक्ट विद फेसबुक, कनेक्ट विद फेसबुक मतलब ऐसे सपोज करो आपने पहले भी एक फेसबुक अकाउंट से पहले किसी अकाउंट में आपने कनेक्ट कर रखा तो दूसरे अकाउंट मतलब किसी भी मतलब आप अनलिमिटेड टाइम्स जितने भी अकाउंट बनाओगे ना प्ले टाइम के तो एक ही फेसबुक अकाउंट आप वाइंड कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपको 100 कॉइन मिल जाए अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। आपके करना ऐसे कि आपके सपोज करो 200 कॉइन हो गए, ठीक है। 200 कॉइन होने के बाद अब आपके इसमें भी हो गए कितने कॉइन, इसमें भी आपके हो गए 50 कॉइन, मतलब वीडियो दे ली तो 250 कॉइन आपके हो गए, ठीक है। अब सुनो क्या करना पड़ेगा, आप जो आपने पहले स्पेस में अकाउंट बनाया ना उसमें आप कर लेना 300 पॉइंट से लेकर 700 पॉइंट के बीच में। मैं कम पॉइंट क्यों बता रहा हूँ सुन लो, मैं कम पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अभी हेक्टर तो मैं आपको बाद में बताऊँ, कम पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ जैसे कल मैंने स्क्रिप्ट से करे थे मेरे 5 मिनट में मेरे हो गए 52,000, ठीक है। 52,000 पॉइंट हो गए, उसमें कुछ भी नहीं मिला, 0.01 डॉलर मिला। इसलिए मैंने ये बहुत 3 दिन से वेरीफाई कर रहा था, जहाँ तक देखा है मैंने 90 से 95% जिसके पास जितने कम पॉइंट होंगे ना उसके हिसाब से मिलेंगे। कहीं आप ऐसे सोचना कि 100 कॉइन के 0.50 डॉलर मिलेंगे, नहीं भाई, कुछ में कंडीशन है कि भैया 300 से लेकर आपको 800 तक, 300 से लेकर 700 से 800 कॉइन करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे सब सब में आप 300 से 800 कॉइन कर लेना, ठीक है। और आपको एक ट्रिक को बताता हूँ जिससे आपके आपको मतलब 800 कॉइन जल्दी हो जाए। सपोज करो 250 पॉइंट तो आपके इजी हो गए इंस्टाग्राम फेसबुक और एड से, बाकी के बचे कितने कॉइन, ठीक है, उसमें 500-600 बचे तो आप कैसे करना है। सपोज करो आपने ये ऐड देख लिया, ऐड देने का 2 मिनट का टाइमर आता है तो आपको इसको कैसे सेट करना है, टाइमर आने का दोबारा आ जाना अपने सेटिंग में, सेटिंग में आने का जैसे आप सपोज करें मेरे टाइम हो रहा है 3:37 हो रहा है तो इसको टाइम को बढ़ा दो। टाइम को कैसे बढ़ाना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम में जाना, उसका इसको कर देना ऑफ, और जैसे कि 3:38 हो रहा है तो मैं वो कर देता हूँ 3:41, तो मेरा टाइम मतलब जैसे कि मैंने जो ऐड दिखाया ना वो इंस्टेंट दोबारा आ जाएगा, 2 मिनट का टाइमर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, मतलब आप बस 700 से 800 पॉइंट ज़्यादा मत करना, क्योंकि जिससे इससे क्या होगा, इससे आपको पर अकाउंट मिलेंगे कितने, पर अकाउंट मिलेंगे 0.20 से 0.25। अभी बहुत सारी चीज़ बाकी आप बताऊँगा, ठीक है। अभी तो मैंने ये बता दी कि बस आपको 300 से 800 कॉइन करने, अब आती है बारी अनलिमिटेड के, अनलिमिटेड कैसे करेंगे। अनलिमिटेड करने के लिए आपको चाहिए ओनली यही ऐप क्लोनर, और कोई ऐप क्लोनर वर्क ही नहीं करेगा। और कैसे बनाऊंगा मैं ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऐप इन्फो में जाता हूं, उसके ये वाला वर्जन आपको मिलेगा ओनली आपको हमारे टेलीग्राम, बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। आप ध्यान सुनो क्या करना आपको, सबसे पहले इस ऐप क्लोनर कर लो इंस्टॉल, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा उसका, इसको ओपन करो। ओपन करने जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, ओपन करने के बाद आपको ढूंढना है पहले इस पे जो आपने जो वर्जन डाउनलोड करा उससे कैनरी वाले से, ठीक है। जैसे मेरा ये वाला वर्जन है पहले इस पे, इसको इस पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक करने सपोज करो आपको बनाने 4 से 5 किलो, ठीक है। जैसे मैं बना लेता हूं, अभी आपको दिखाने के लिए बना लेता हूं ओनली 1 किलो, ठीक है। वैसे आप चाहो तो जितने बना सकते हो बना लेना, जितने आपकी कैपेसिटी है मोबाइल की। जैसे मैं बना लेता हूं 1 किलो, ठीक है। 1 किलो बनाने के बाद इस पे एक पे एक कर देना, ठीक है, उसका कर देना ओके पे क्लिक, और तीनों कर देना सेटिंग चेंज। और भी कोई सेटिंग चेंज मत करना, और कोई सेटिंग चेंज मतलब आइडेंटिटी कुछ भी चेंज नहीं करनी, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, ओनली ये सेटिंग चेंज करनी है। उसके बाद उसको कर देना एक्सपोर्ट पे क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, उसके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक, थोड़ा सा एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद बताऊँगा करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा क्लोन बन गया पैरेलल स्पेस का ऐप क्लोनर से, ठीक है, तो इसको भी कर लो इंस्टॉल। इंस्टॉल करने का बताता हूँ क्या पड़ेगा, इंस्टॉल करने वैसे कि सपोज करो पैरेलल स्पेस आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इसमें भी प्ले टाइम एपी की कर लेना ऐड, ठीक है। ऐड करने का जैसे मैंने सेम टू सेम प्रोसेस बताई है, 300 से 800 कॉइन भी इसमें कर लेना, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको करना पड़ेगा पैरेलल स्पेस 64-bit का भी क्लोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इसमें ऐड करके क्यों दिखा रहा, क्योंकि भाई वीडियो ऑलरेडी 9 से 10 मिनट की बन चुके हैं, क्योंकि दो तीन ट्रिक और बताना बाकी, इसलिए ठीक है। अगर पैरेलल स्पेस क्लोन वाली अब दोबारा बना लेना है हमको पैरेलल 64-bit का, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, यहाँ पे जाना है बैच क्लोनिंग में जाना है, तीनों कर देना, ठीक है, उसके ओके पे, उसके दोबारा इसको कर देना सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। इसका भी क्लोन बन जाएगा, उसके बाद कर लेता हूँ उसको भी।
जैसे कि मेरे पैरेलल स्पेस के बन गए एक क्लोन बन गया, ठीक है। और 64-bit का भी क्लोन बनाना जरूरी है, ठीक है। अब जो चाहो आज जितनी कैपेसिटी उतने बनाना, 4, 5, 6, 7, 10 जितने बनाना चाहते हो, ठीक है। उसका सेम टू सेम रोज करनी है, पैरेलल स्पेस जाना, उसका प्ले टाइम ऐप करना ऐड, और जैसे मैंने बताया 300 से 800 पॉइंट करना, और टाइमर बढ़ा देना जिससे आपको मतलब पॉइंट आराम से कर सको, ठीक है, मतलब ऐड कर सको। और इसमें रियली करना, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट से कोई पेमेंट आएगा नहीं, मतलब पेमेंट बहुत कम आएगा। बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको ट्राई करना है कर सकते हो, वैसे स्क्रिप्ट से पेमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, पेमेंट मतलब आपको कैश आउट का ऑप्शन नहीं आएगा। कैश आउट का ऑप्शन आ भी गया तो आपके में बहुत कम आएंगे, लाइक $0.01, $0.02, ठीक है। इसमें आपको प्रोसेस बताऊंगा नहीं कैसे आपको क्लोन करना है, सेम टू सेम प्रोसेस होती है, बस आप कर लेना। अनलिमिटेड ट्रिक भी आपको बता दी, ठीक है। अब बारी आती है आपको भैया कि भैया हैक ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने हैक ट्रिक करने के लिए मैंने दूसरा पहले स्पेस का क्लोन बना लिया है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, सपोज करो आपने बनाया 6 क्लोन पहले स्पेस का, तो 4 में कर लेना आप 300 से 800 कॉइन के बीच में, और लास्ट के जितने भी रह जाएँ एक से दो से ज़्यादा मत करना, क्योंकि भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट से पैसा बहुत कम मिलेगा, मिल भी नहीं सकता, और मिलेगा तो $0.01 मिलेगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं हैक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया इसकी भाई खोज बहुत अच्छी तरह से करी है भाई 3 दिन के अंदर, क्योंकि यार मेरे को समझ में आ गया इसे सिस्टम क्या है, ठीक है। अब जैसे कि मैं पहले से बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो यदि आप हैक ट्रिक ट्राई करोगे, सबसे पहले अपना वीपीएन कर देना, डिस्कनेक्ट से वीपीएन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने वीपीएन कर दिया डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा आ जाओ पहले स्पेस 2 वाले अकाउंट में, क्योंकि मैंने अभी भी क्लोन बनाया हैक ट्रिक करने के लिए। आप सुनना ध्यान से क्या करना है। इसे मैं 64-bit में आ गया, दोबारा गलती से आ जाता हूँ मेन में आ जाता हूँ। पहले स्पेस 2 में आने का प्ले टाइम को कर लो ऐड, ऐड करने के बाद बताऊँ क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने सेकंड पैरालिसिस वाले अकाउंट में प्ले टाइम को कर लिया ऐड, ऐड करने के बाद अब ध्यान सुनो इसको ओपन मत करना, और वीपीएन डिस्कनेक्ट रहना चाहिए आपका, ठीक है। अब क्या करना है, आप दोबारा जाओ एचटीटीपी कैंडी का मतलब मेन मतलब ये है कि आपको इससे करना है डेटा कैप्चर, ठीक है। डेटा कैप्चर कैसे करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एरोप्लेन वाला ऑप्शन है, इसको कर देना ऑन, ठीक है। ऑन कैसे करना है, इस पर क्लिक करके ऑन हो जाएगा, उसका डेटा अपना भी कैप्चर होता रहेगा, और इसको बैकग्राउंड में चलने देना। बैकग्राउंड चलने से पहले उसका दोबारा कर लेना पहले स्पेस ऐप ओपन, जिसमें आपने जिसमें आपको हैक्ट्रिक यूज करना है। मैंने एक्ट्रिक यूज करनी है पहले स्पेस सेकंड वाले अकाउंट में, और जा भैया दोबारा बता रहा हूँ ओनली 1-2 अकाउंट में यूज करना एक्ट्रिक, क्योंकि भैया कुछ मतलब नहीं है बेबाल तुम्हें आप टाइम वेस्ट करोगे। बस मेरे को एक ट्रिक बतानी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। पहले स्पेस मैं ओपन कर लेता हूँ सेकंड वाला, उसमें आपको डेटा बताता हूँ डेटा कैसे निकालना है, इसे आपको समझ में आ सके, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेटा चल रहा है, ठीक है, इसको चलने देता हूँ पहले, तो पहले स्पेस मतलब प्ले टाइम ऐप होने देता हूँ, पहले चालू होने देता हूँ। जैसे कि मैंने ऐप को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ओके 3 बार ओके पे क्लिक कर देना, 3 बार ओके पे क्लिक करना, जो आपने पहले स्पेस ओपन करा है सेकंड वाला उसको कट कर देना। उसके बाद आप आ जाना अपने उसमें एचडीबी कैनरी वाले में, उसके बाद इसको कर देना ऑफ, ठीक है, इसको कर देना क्योंकि हमारा काम डेटा निकल चुका है, इसको कर देना ऑफ। ऑफ करने के बाद अब आपको यहाँ पर ढूंढना है प्ले टाइम, ठीक है। यहाँ पर लिखाना चाहिए प्ले स्पॉट, लिखाना चाहिए कहीं पर हो सकता है, नीचे ऊपर बीच में भी आ सकता है, प्ले स्पॉट लिखा आना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ लिखाएगा प्ले स्पॉट, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया प्ले स्पॉट, ठीक है, प्ले स्पॉट ये आपको ढूंढना है, प्ले स्पॉट, ठीक है। तो आप कुछ भी किसी पे भी क्लिक करते होंगे, हमको यूजर आईडी निकालनी है इसकी, ठीक है, यूजर आईडी निकाली तो उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे यूजर आईडी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी जाएगी। पहले तो उसको कर लेता हूँ पूरे कॉपी करने का पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जैसे कि मैं इसको कॉपी करने का यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने का जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बी से लेकर और 2 तक ये आपकी यूजर आईडी, तो मैंने इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब करना है इस वाली यूजर आईडी को कर लेना कॉपी, उससे पहले आपको स्क्रिप्ट की लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इस स्क्रिप्ट की लिंक, इसके पहले इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना और उस स्क्रिप्ट को करना कॉपी। कॉपी करने का पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, कॉपी करने का यहाँ पे पेस्ट कर देना किसी वाले ब्राउजर में। जैसे कि आप स्क्रिप्ट पेस्ट करोगे तो आपके ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आपके करना पड़ेगा यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना, लास्ट में एडवांस पे क्लिक करना, उसके लिखना प्रोसीड टू fanofyou.tk, इसको कर देना प्रोसीड कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी हो जाएगी मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाई हुई है, मैं अपने फ्रेंड से बनवाई हुई है, जो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब क्या करना है, जो आपकी जो आपने आईडी कॉपी करी ना, जहाँ से आपने एचडीबी कैनरी से निकाली, उसको कर लेना यहाँ पे, कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ से कॉपी करने के बाद दोबारा जाता हूँ इसमें स्क्रिप्ट में, उसके यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद एड कॉइन पे क्लिक करता हूँ, एड कॉइन पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक आपके 50-50 कॉइन आपके ऐड होते जाएंगे। जैसे कि आप अपनी यूजर आईडी डालोगे तो अपना भी रिफ्रेश होता जाएगा, अभी रिफ्रेश क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं सही कर दूंगा। जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो अपना भी सही हो जाएगी, बस आप कुछ नहीं करना, अपनी यूजर आईडी पेज करनी पड़ेगी, अपना भी अभी रिफ्रेश होता जाएगा। 1 से 2 सेकंड में आपके 50-50 पॉइंट बढ़ते जाएंगे, और आप अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो जितना चाहो, लेकिन मैंने लिमिट लगा रहा कि 53,000 ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, स्क्रिप्ट यूज करना चाहो तो कर लेना। मैंने मुझे हैक्ट्रिक बताई थी, वैसे यार हैक्ट्रिक से कुछ मतलब नहीं है, अगर लास्ट में पॉइंट ऐड मतलब रुपये कुछ आएंगे नहीं, वैसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब आता है बग की, लास्ट बग बचा है कैसे करना है। सपोज करो आपके में पड़े
सपोज करो आपके में से पड़े 800 कॉइन, तो 800 कॉइन नेक्स्ट दिन मतलब 2 या 2:10 के बीच में आपको में यहाँ पे ऑप्शन आएगा 0.15, 0.20, 0.25 कुछ भी सकता है, ठीक है। उसके इसको विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ करने के बाद बग बताता हूँ बग कैसे कि आपने 800 पॉइंट कर लिए तो 800 पॉइंट के आज सपोज करो 0.20 आ गए तो नेक्स्ट दिन भी कुछ ना कुछ रुपये आएंगे, घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। बस आपको चाहो ना 800 पॉइंट से ज़्यादा एक पॉइंट मत करना, ये बग है। लेकिन आपने पॉइंट कर लेना तो भैया कुछ आना जरूरी नहीं है, आ भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन बग यही है। सपोज करो आपने 800 पॉइंट आज करे और कल रिडम कर लिया, उसके नेक्स्ट दिन भी मतलब परसों के दिन भी आपके कुछ ना कुछ विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, लेकिन 800 ज्यादा पॉइंट मत करना, ठीक है, जैसे मैंने बताया। बस इस वीडियो में था, और जो भी सबकी लिंक है सबकी लिंक मिलेगी ओनली हमारे ट्रेडिंग चैनल पे। और जितने सपोज करो इसी का पहले से क्रोन आए ना, तो 4 क्रोन ऐसे बनाना जिसमें आपके पड़े 300 से 800 कॉइन, और लास्ट के 1-2 क्रोन ऐसे बनाना जिसमें आपको करनी है हैट्रिक ट्राई, जैसे मैंने बताया हैट्रिक कैसे ट्राई करनी है, ठीक है। हैट्रिक का कोई मतलब नहीं, दोबारा बोल रहा हूं कि वैसे आपको बताने चक्कर में बताया, और मैंने आपको भाई इसमें अनलिमिटेड पेपर कैसे बताया प्लस हैट्रिक बताइए प्लस बग बता दिया, ठीक है। बस इस में तो, और आप एक ही पेपर पे रिडम ला सकते हो, सबसे अच्छी बात तो ये है एक ही पेपर रिडम ला सकते हो। अब जितने बनाने आप बना लो, ठीक है। बस इस में तो देखो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड वाले उनका प्रॉफिट, और कोई प्रॉब्लम मैसेज कर देना, आपका सॉल्यूशन भी 5 मिनट दे दूंगा। थैंक यू।